हेलो स्टूडेंट्स, टुडे द चैप्टर इज तारो रिवार्ड, चैप्टर नंबर 3। तो सबसे पहले आप देखें, बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, दिस इज ए स्टोरी अबाउट ए थॉटफुल एंड लविंग सन। यह कहानी एक विचारशील और बड़े प्यारे बच्चे की है, लड़के की है। He works hard to fulfill his parents' wishes and get some unexpected help. Unexpected help का मतलब होता है बिना उम्मीद की, बिना सोची समझी मदद। वो अपने माता पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए बहुत कठोर मेहनत करता है, तभी उसको एक बिना सोची एक ऐसी उम्मीद, एक ऐसी मदद मिल जाती है। तो तारो रिवार्ड कहानी में हम उस बच्चे की कहानी पढ़ेंगे। ये यंग वुड कटर नेम्ड तारो लिव्ड विथ मदर एंड फादर ऑन ए लॉनली हिल साइड। लॉनली मतलब है निर्जन, एकांत। एक नौजवान लकड़हारा जिसका नाम तारो है, वो अपने माता पिता के साथ निर्जन पहाड़ी पर रहता था। ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट। पूरी दिन वह जंगल में लकड़ियों को काटता था। चुप मतलब है काटना, टुकड़े करना। दोज ही वर्क वेरी हार्ड, जबकि वह बहुत कठिन मेहनत करता था। ही अर्न वेरी लिटिल मनी, लेकिन वह बहुत कम पैसे कमा पाता था। दिस मेड हिम सैड, इससे वह काफ़ी उदास रहता था। फॉर ही वॉज ए थॉटफुल सन एंड वॉन्टेड टू गिव हीज ओल्ड पेरेंट्स एवरी थिंग दे नीडेड, क्योंकि वह एक विचारशील लड़का था और वह अपने माता पिता की जो ज़रूरत थी, जिसे वो चाहते थे, उसे हर चीज़ को वह पूरा करना चाहता था। वन इवनिंग व्हेन तारो एंड हिज पेरेंट्स वेयर सिटिंग इन ए कॉर्नर ऑफ देयर हट। एक दिन शाम को जब तारो और उसके माता पिता झोपड़ी के एक कोने में बैठे हुए थे, ए स्ट्रांग विंड बिगेन टू ब्लो, एक तेज हवा चलना शुरू हो गया। इट विशिल्ड द्रोज ए क्रेक ऑफ द हट एंड एवरी वन फेल्ट वेरी कोल्ड। यह टूटी हुई एक झोपड़ी के कोने से बहुत तेज इसमें आवाज़ हो रही थी और हर आदमी बहुत ठंड महसूस कर रहा था। सडनली तारो फादर सेड, अचानक तारो के पिता ने कहा, आई विश आई हैड ए कप ऑफ सीक, मेरी इच्छा है कि मुझे एक कप सीक मिल जाता। इट वुड वार्म मी एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड, यह मेरे लिए अच्छा होता और मेरे हृदय के लिए बहुत अच्छा लगता और मेरे हृदय को थोड़ा सा आराम मिल जाता। दिस मेड तारो सैडर देन एवर, यह बात सुनते ही तारो पहले से भी ज़्यादा उदास हो गया। फॉर हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड सेक वॉज वेरी एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव मतलब होता है महंगा, क्योंकि वह हार्ट वार्मिंग हृदय को गर्म करने वाला पेय पदार्थ, जिसे सेक कहा जाता था, वह बहुत महंगा था। हाउ डू आई अर्न मोर मनी, ही आक्स हिमसेल्फ, वो अपने मन में यह पूछने लगा, अपने मन में ही तर्क करने लगा कि मैं और ज़्यादा पैसे कैसे कमाऊँ। हाउ डू आई गेट ए लिटिल सेक फॉर माई पुअर ओल्ड फादर, मैं अपने बूढ़े माता पिता के लिए कैसे सेक प्राप्त करूँ, कैसे सेक लाऊँ। ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर, वह पहले से भी ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश की, उसका निर्णय लिया। नेक्स्ट मॉर्निंग तारो जंप आउट ऑफ बेड अर्लियर देन यूजुअल एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट। एज यूजुअल का मतलब होता है पहले से, यानी जैसे आप पहले करते थे उससे और पहले। अगले दिन सुबह तारो अपने बिस्तर से पहले से और पहले ही निकल पड़ा और सीधे जंगल की ओर चल पड़ा। ही चॉप्ड एंड कट, चॉप्ड एंड कट आई द सन क्लाइंट,
वह लकड़ियों को काटता था, फिर उसके टुकड़े करता है, फिर काटता है, फिर उसके टुकड़े करता है, और सूरज फिर ऊपर चढ़ने लगा, ऊपर चढ़ता जाता है, अर्थात धूप बढ़ती जा रही है। एंड सन सुन ही वॉज सो वार्म दैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट, और बहुत जल्दी ही वह इतना गर्म हो गया कि उसको अपनी जैकेट उतारनी पड़ी। हिज माउथ वॉज ड्राई, उसके मुंह भी सूखे हुए थे, एंड हिज फेस वॉज वेट विथ स्वीट, और उसका चेहरा पसीने से बिल्कुल गीला हो गया था। माय पुअर ओल्ड फादर ही थॉट, वह सोचने लगा, मेरे बेचारे पिताजी जो हैं, इफ़ ओनली ही वॉज एज वार्म एज आई, सोचने लगा कि मैं जितना गर्म हूँ उतना वो भी गर्म हो जाती तो। एंड विद दैट ही बिगन टू चोप इवन फास्टर, और वह फिर पहले से भी ज़्यादा तेज़ी से लकड़ियों को टुकड़े करने लगा। थिंकिंग ऑफ एक्स्ट्रा मनी ही मस्ट अर्न टू बाई द सेक टू वार्म द ओल्ड मैन्स बोन्स, यह सोच कर कि वह इसको बेच करके, इन लकड़ियों को बेच कर और अतिरिक्त पैसे कमाएगा, और अतिरिक्त पैसे उसे मिलेंगे और अपने बूढ़े पिता के लिए, उस बूढ़े व्यक्ति के लिए वह गर्म शेक खरीद सकेगा ताकि उस बूढ़े हड्डी को मदद कर सके। तो आज चैप्टर तारो रिवार्ड का पैराग्राफ 1 से लेकर के पैराग्राफ 4 तक हिंदी और इंग्लिश लिखकर पोस्ट करेंगे।